हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला एकेडमी। मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो लिमिट्स के कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। अब वो लेक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे? सीधे क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। क्लास 11th के भी कई सारे लेक्चर पड़े हुए हैं वहाँ पे, अलग अलग टॉपिक के। फिलहाल पूरा कंप्लीट होगा आपका। यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट लेक्चर है उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज उसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज 1 क्या है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स पावर एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो n है उसे 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स तक लिखना है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये n है इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अब टू, ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स तक, ठीक है। अगर यही 2n होता तो फिर क्या करते, तो यहाँ पे 2n के जगह पे यही 2 से मल्टीप्लाई होता, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अब टू ये n टाइम्स तक होता। तो यहाँ पे 2 से 2 कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग वही 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा, तो उसके जगह पे n वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो ध्यान रखिए कुछ इसी तरीके से होता है। तो हमें यूज क्या करना है सिर्फ उसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स तक 1 ही रहेगा। तो ये अगर हम लोग लिखे यहाँ पे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू n टाइम्स तक, यहाँ पे x पावर n माइनस, ये n के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स तक 1 है यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सीधे फॉर्म में लाना है किसके, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a के फॉर्म में लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में क्यों लाना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में यही स्टार्ट किए हुए थे हम लोग और इसी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। तो मैं पूरा फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे सीधे लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उस फॉर्म में लाते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x है यहाँ पे और ये 1 इस साइड में एक साथ में लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 हो जाना है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर है एंड इसका माइनस 1 यहाँ पे भी लेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 में। सो प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस ये एक्स क्यूब को लिखते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1, ऐसे ही सेम यहाँ पे लिखते जाएंगे एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये एक्स पावर एन है और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे प्लस 1 से, सो माइनस 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं डिवीजन में क्या है भाई साहब, एक्स माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो करते हैं अभी यहाँ पे सीधे उस फॉर्म में आ जाएगा, कैसे ये सारे टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटली यहां पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये फर्स्ट वाले टर्म को x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस थर्ड टर्म में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 1, अब टू कहां तक लेके चलना है इनको, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक है। तो अब बताइए यहां पे उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखना है आपको, ये x माइनस 1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा और ये कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो लिमिट का वैल्यू कुछ भी हो आंसर तो वही आना है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है।
अब यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, आप चाहे तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए या चाहे तो आप ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो यहां लिखा हुआ हूं मैं स्क्रीन में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक्स का पावर एन है, ठीक है, एंड लिमिट कितना गिवन है, ए गिवन है, तो फॉर्मूले में क्या है, एन ए पावर एन माइनस वन। तो ये जो भी लिमिट गिवन है उसमें ये जो पावर है, पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर को, एंड एक पावर कम होगा जो भी लिमिट यहां गिवन है। सेम यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। तो यहां पावर कितना है, टू, ठीक है, एंड टू को मल्टीप्लाई करिए आप इनटू लिमिट कितना गिवन है, वन, सो वन पावर टू माइनस वन। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया हूं। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, प्लस पावर यहां पर कितना है, थ्री, थ्री इंटू लिमिट कितना है, वन, सो थ्री इंटू वन पावर एन माइनस वन। तो एन के प्लेस पे तो थ्री था, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म ऐसा चलता जाएगा और लास्ट टर्म यहां पे क्या है, पावर कितना है, एन, तो एन से मल्टीप्लाई करिए इंटू वन पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो भाई साहब बताइए आप, ये तो फर्स्ट टर्म कितना आया यहां पे, वन आया, प्लस 2 इंटू वन पावर 2 माइनस वन, टू माइनस वन कितना होगा, 1 होगा, सो 1 पावर 1 1 ही होगा। तो यहां पे कितना रिमेनिंग बचेगा, 2, एंड यहां 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, इंटू 3, तो 3 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट टर्म में कितना आएगा, n, ठीक है। तो ये देखिए सम ऑफ ये कितना है, n टर्म्स है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है। तो आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने समेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने, आप लोग क्या पढ़े हैं, समेशन का फॉर्मूला n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये क्लास टेंथ में आप लोग इस फॉर्मूले से क्या बोलते हैं कि फैमिलियर हैं। तो यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, nth टर्म है, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो भाई साहब अब आप लोग ये बताइए यहां पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये जो है ये आपका फर्स्ट टर्म है, मीन्स ए का वैल्यू है, ठीक है। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा हम लोगों ने, ए के प्लेस पे यहां पे गिवन है वन, ए इज इक्वल टू वन हो गया, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस में हम देख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, सो सेकेंड टर्म यहां पर कितना है, टू, टू माइनस वन कितना होगा, वन। So D is equal to कितना हो जाएगा, 2 minus 1 is equal to 1। तो ये common difference भी आ गया। अब जब हमें common difference भी पता है और first term भी पता है और nth term क्या है यहाँ पे, nth term या फिर यहाँ पे एक formula और भी apply कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, n by 2 a plus l, l यहाँ पे क्या है, last term है, तो last term यहाँ पे पता है हमें, ये लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, n है, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, 1 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो n बाई टू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 पुट करिए एंड लास्ट टर्म n पुट करिए, तो कितना आ गया, n बाई टू एन प्लस वन, मीन्स एन एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये n n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू, ये रहा इसका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का यही मेथड था, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, तब तक ये आपको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस वन एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं जो भी लिमिट का गिवन है, वैल्यू क्या गिवन है लिमिट का, माइनस वन, माइनस वन अगर यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन का होल क्यूब कितना होगा, माइनस वन होगा। सो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड यहां पे ये x प्लस वन है, x के प्लेस पे माइनस वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू यहां पे, माइनस वन प्लस वन जीरो। मींस ये क्या है, 0/0 फॉर्म में है, जो कि इनडिटर्मिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, फॉर्म में है, मींस 0/0 फॉर्म में है।
तो अब क्या करेंगे, सीधे मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर ए माइनस एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस एन ए पावर एन माइनस वन है, ठीक है। तो हम लोग सीधे वही अप्लाई कर सकते हैं इसी फॉर्म में लाके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, चाहो तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइज करके कैसे सॉल्व करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में भी एक्स प्लस वन है, आप कैंसिल करके उससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये सीधे टर्म बचेगा और यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, तो अप्लाई भी यही मेथड करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो हम लोग एक तरह से वचनबद्ध हैं ऐसा बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। फिलहाल यहां पे देखते हैं क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एंड इनको कन्वर्ट करो उस फॉर्म में, तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस माइनस वन होल क्यूब। कर सकते हैं, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, माइनस वन का होल क्यूब कितना होगा, माइनस वन ही तो होगा ना, और ये माइनस वन और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इसी फॉर्म में आ जाएगा। खामखा कंफ्यूज होते रहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये एक्स है और यहाँ पे प्लस वन है, सेम वही उसी फॉर्म में लाना है, तो माइनस माइनस वन कर लीजिए अब, ठीक है। अब भी ये डिक तो इसी फॉर्म में है, अब जब सेम उसी फॉर्म में है तो हम लोग फॉर्मूला भी वही अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या है, जो भी पावर था यहाँ पे एक्स का वो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ एंड जो भी लिमिट है उसमें ये पावर एक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही अप्लाई करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू पावर कितना है यहाँ पे थ्री, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन टू लिमिट कितना गिवन है माइनस वन, सो माइनस वन यहाँ पे लिखिए ए के प्लेस पे एंड पावर एक कम हो जाएगा, सो थ्री माइनस वन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बताइए, थ्री माइनस वन पावर, ये थ्री माइनस वन कितना होगा, टू होगा, एंड किसी भी नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सो थ्री बन जा थ्री, ये रहा आपका आंसर। आई बात समझ में, क्वेश्चन है बड़ा आसान, मैंने दो दो मेथड इसका बताया, एक तो ये सीधे इस फॉर्म में लाके करने का और दूसरा क्या है यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके करने का, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 108 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये लिमिट गिवेन है और यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो है तो बड़ा आसान, ठीक है। कैसे आसान है, हमें पता है ये सीधे इस फॉर्म में गिवेन है, ठीक है, जो कि हम लोग कर चुके हैं और अभी तक करते आ रहे हैं इसी पे क्वेश्चन। तो सिंपल यही सीधे मेथड अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पे है वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एन 108 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 108। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता ही है ना, तो बताइए क्या लिखेंगे, जो भी पावर है मल्टीप्लाई किया एंड जो भी लिमिट गिवन है यहाँ पे उस पर एक पावर कम कर दिया, ठीक। सो एन थ्री पावर एन माइनस वन, एक्चुअली एल हॉस्पिटल रूल अभी बताया नहीं हूं मैं, नहीं तो एक लाइन में आएगा वो जो आ रहा है ना, वो सीधे एल हॉस्पिटल रूल से होगा, ठीक है। तो एक एक लाइन में आंसर आएगा लिमिट का, बट पेशेंस रखिए, सब बताऊंगा बट सीक्वेंस से बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, एन इंटू थ्री पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 108, ओके 108 को फैक्टराइज करिए भाई साहब आप। तो हमें अगर इस फॉर्म में लाना है तो 27 फोर जो होता है वो 108 होता है, ठीक है।
27 फोर जा 108, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पावर 3 इंटू 4, ठीक है कुछ इसी फॉर्म में। n के जगह पे क्या लिखेंगे, 4, ठीक है, इंटू 3 पावर 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। सो 3 पावर 3 कितना हो जाना है, 27, ठीक है। सो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो आप 108 को ऐसे ही लिख लीजिए, 4 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। फैक्टराइज करके भी कर सकते हो सिंपल तरीके से, 108 को फैक्टराइज कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 एंड फिर 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड ये 4 हो गया आपका 1 यहाँ पे। सो 3 पावर 3 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए एन के प्लेस पे अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो क्या है, एन इंटू 3 पावर n-1, ठीक है। और यहाँ पे n के प्लेस पे अगर 4 पुट करेंगे तो ये सीधे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ रहा है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पेन कॉपी लेके बैठा करिए, साथ में सॉल्व किया करिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखूँ आप लोग साथ में सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए, तभी असली मजा आएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। हाँ थोड़ा फास्ट चलता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे, है ना।